वेलकम बैक। पार्ट टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करके मैं आपको दिखाऊंगा। क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही स्लोली सारे स्टेप्स, सारी जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस है मैं आपको बहुत ही स्लोली स्लोली बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो फिलहाल तो हम पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि पार्ट वन का जो लास्ट 5 मिनट्स हैं उसके अंदर मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है उसके ड्रॉ करने से पहले या ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको क्या प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहला ही वीडियो है, थंबनेल के ऊपर बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा रहेगा पार्ट वन, आप चेक कर लीजिए पहले और फिर इस वीडियो के अंदर आइए, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए इसके बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपने पार्ट वन देखा हुआ है। सॉरी, तो चलिए यहाँ पे पार्ट टू के अंदर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, राइट। मैं थोड़ा ऑटो फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए डैस बी डैस सी। अब ये ए डैस बी डैस सी का मतलब क्या होता है? ए डैस बी डैस सी का मतलब होता है कि आपको ये ट्राइंगल बनाना है, राइट। मतलब ये ए डैस बी डैस सी वाला ट्राइंगल आपका आंसर वाला ट्राइंगल होगा, हैविंग रेशो टू ओरिजिनल ट्राइंगल लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसके ये मेजरमेंट्स हैं, और आपको इस ट्राइंगल को ड्रॉ करने के बाद पर्टिकुलर इस रेशो का ट्राइंगल ये बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको गाइड किया था पार्ट वन के अंदर, यहाँ पे देखो रेशो आपको दिखाई दे रहा है 2:3। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर छोटा होता है, तो यहाँ पे ऊपर का नंबर छोटा होने की वजह से हमारा जो ट्राइंगल ए डैस बी डैस सी है वो इस ट्राइंगल के अंदर की साइड, मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर पार्ट में बनेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और सी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और साथ में मुझे ये ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर है, और मुझे यहाँ पे रेशो 2:3 था, इसीलिए मेरा जो आंसर वाला ट्राइंगल ए डैस बी डैस सी बनेगा वो इस ट्राइंगल की अंदर की साइड, मतलब ये मैंने शेडिंग किया हुआ है वो वाला ट्राइंगल मेरा आंसर वाला ट्राइंगल होगा। ये हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रेशो 2:3 है, ऊपर का नंबर छोटा है, तो हमारा आंसर वाला ट्राइंगल है वो क्वेश्चन वाले ट्राइंगल के अंदर के साइड, मतलब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनाना है तो उसके लिए तो हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बेस बी सी को ड्रॉ करूँगा। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। सॉरी, अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, राइट, दिस इज परफेक्ट, आपको दिखाई दे रहा है शायद। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर था, तो मैं यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको मेजरमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको मुझे मेरे पे भरोसा करना होगा कि मैं 5 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ, राइट, इट्स जस्ट जोकिंग। तो ये आपका हो गया बी एंड सी, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे कंपास का हेल्प लेकर यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर था, राइट, ए बी है वो 4 सेंटीमीटर था, तो मैं यहाँ से आर्क लगाकर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये रहा 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, ठीक है, ओके, ये रहा, दिख रहा है आपको, देखो ये मेरी जो ये जो फिंगर है वो आपको 4 सेंटीमीटर दिखा रही है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 0, ठीक है, आपको 1 से नहीं लेना है, 0 से लेना है। मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है, तो मैं यहाँ से, क्योंकि मेरा यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ से आर्क लगा लेता हूँ
फाइन ओके। और यहाँ पे AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर था, अगेन मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास जो स्केल है वो उसमें थोड़े फॉन्ट्स लिखे हुए छोटे छोटे हैं, तो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने स्केल में 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। चलिए ये मैंने मेजरमेंट ले लिया 6 सेंटीमीटर का, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस सी वाले पॉइंट से सी को रेडियस बनाते हुए मैं यहाँ पे एक आर्क लगा रहा हूँ। देखिए आर्क थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो मैं इसको आर्क को हमेशा आर्क आपको बड़ा ही लगाना चाहिए क्योंकि वो बाइसेक करे, ओके। अब आर्क को बड़ा करने से ये बाइसेक करने लगा है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, ये हमारा बी था, ये सी था, तो ये ऑब्वियस ए पॉइंट होगा। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेन को टच भी नहीं करना है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहा करोगे तब। तो ये मेरा ट्रायंगल बन चुका है, ओके ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्लास 7 की बात है, ज़्यादा कुछ नया है नहीं इसके अंदर। अभी फिर वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने लाइन को बाइसेक करने के लिए किया था। मैं यहाँ पे नीचे इस BC के जो BC लाइन सेगमेंट है उसके नीचे यहाँ पे एक मैं 45 डिग्री का एक रे बनाऊंगा, राइट। तो चलिए चंदा मामा मींस प्रोटेक्टर को बुला लेते हैं, चलो आ गया प्रोटेक्टर। अब मैं यहाँ से 45 का मेजरमेंट ले लेता हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो 10 की लाइन मेरी यहाँ पे है, 0 यहाँ पे होगा, 10 20 30 40 45, राइट। तो ये हो गया 45। अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे बार बार इंस्ट्रूमेंट्स को रखना और प्लेस करना पड़ता है, इसलिए उसमें टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। इसको मैं एम दे देता हूँ नाम, ओके। अब ये करने के बाद आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखो 2:3 है, तो इसमें से कौन सा नंबर है वो बड़ा है, ऑब्वियस 2 और 3 के अंदर 3 नंबर बड़ा है। तो क्या करना है कि आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ अप्रोप्रिएट मेजरमेंट ले लेना है और आपको 3 आर्क लगाने हैं। जितने आर्क की लेंथ लंबी होगी या आर्क का मेजरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी मिलेगी। मैं इतना मेजरमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पे आर्क लगा रहा हूँ, ओके। कितने आर्क लगाने हैं, रेशो में से जो वैल्यू बड़ी हो उतने आर्क लगाने हैं। तो आर्क 1, देन आर्क 2 एंड आर्क 3, ओके। मैं इसको नाम देता हूँ आर्क A1, A2 एंड A3। अब मुझे मालूम था कि 2:3 है, इट मीन्स मेरा ट्रायंगल है वो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर बनने वाला है, ठीक है, ABC के अंदर बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा कि लास्ट वाले आर्क को इससे ज्वाइन करूँगा। लास्ट वाले आर्क को मैंने इससे ज्वाइन कर लिया, राइट। तो मैंने 3 वाले पोर्शन को तो A3 वाला मतलब A3, 2 वाला मतलब A2, ठीक है। मतलब मैंने ये 3 जो रेशो था उसको मैंने A3 से A3 मानकर C पॉइंट से कनेक्ट कर लिया, राइट। अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, 2 मीन्स A2, तो मुझे A2 से भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो यहाँ पे जाएगी और वो लाइन यहाँ से यहाँ पे जाएगी। तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रायंगल मिलेगा जो ट्रायंगल ABC से काफ़ी छोटा होगा। तो वापस वही टेक्निक यूज़ करेंगे हम, देखिए कि मैंने A3 से एक सेमी सर्कल बना लिया ताकि मुझे लाइन पैरेलल मिले। ये हम क्यों करते हैं सेमी सर्कल, लाइन पैरेलल लाने के लिए, राइट। देखिए अब वही मेजरमेंट लेना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। A2 से भी आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, फाइन ओके। अब देखिए मैं आपको रेड पेन से दिखा रहा हूँ, क्रॉस लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, आपको इतना मेजरमेंट लेना है, ठीक है।
चलो इतना मेजरमेंट ले लिया, ले लिया इतना मेजरमेंट, ओके थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इतना मेजरमेंट ले लिया मैंने। अब मैं उसी मेजरमेंट से यहाँ पे आर्क लगाऊंगा। आर्क हमेशा आपको स्ट्रेट लगाना है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ओके राइट। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है, उस पॉइंट को मैं A2 से कनेक्ट करूँगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो बिल्कुल ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो रही है, पैरेलल, ठीक है। अब फिर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया N। अब ये जो एंगल है उतना ही एंगल से आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सेमी सर्कल बनाए थे, वैसे आपको यहाँ पर भी सेमी सर्कल बनाने पड़ेंगे ताकि आपको लाइन पैरेलल मिले। आपको ये सेमी सर्कल मैंने इसीलिए बनाए क्योंकि मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल मिले। अब मुझे यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना लिया है, सेम मैंने एन के ऊपर भी एक सेमी सर्कल बना लिया, ओके। अब आपको इतना मेजरमेंट ले लेना है, चलिए ओके ले लिया मैंने मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट लिया आप दे सकते हो, ये वाला मेजरमेंट ले लिया है। और उसी मेजरमेंट को आपको हटाकर यहाँ से इसके ऊपर रख लेना है, ओके। एक पॉइंट मिल रहा है छोटा सा, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको रेड पेन से दिखा रहा हूँ। चलिए अब इस लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे, ओके फाइन। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जो आपका, अब ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये सी है तो आप इस एन को आप हटाकर सी डैश कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो ट्रायंगल है वो छोटा सा बनेगा और ABC के अंदर। तो ये रहा आपका आंसर वाला रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। आपको स्टेप्स लिखना तो आता ही होगा, वैसे भी मैं कभी स्टेप्स सिखाता नहीं बच्चों को, और बच्चे सीख भी जाते हैं तो स्कूल के अंदर स्टेप्स को आपको एज इट इज लिखना होता है, तो बच्चे रट के चले जाते हैं कि बस यही स्टेप्स लिखने हैं। तो मैं आपको रटना तो सिखाऊंगा नहीं, आप जो ड्रॉ करते हो उसके हिसाब से आपको स्टेप लिखते जाना है, ठीक है। दो तीन बार स्टेप पढ़ोगे तो आपको स्टेप लिखना भी आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे रेशो 2:3 था, ऊपर का नंबर छोटा था, तो हमारा ट्राइंगल है वो बाहर के ट्राइंगल से अंदर बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। मैं आपको एक, ये तो प्रॉपर रेशो था, प्रॉपर फ्रैक्शन था, मैं पार्ट 3 के अंदर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला ट्राइंगल भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, मगर कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से लाइव ड्रॉ करके बताना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हमारे इस हार्डवर्क के लिए आपकी एक लाइक और कमेंट तो बनती है, तो कमेंट करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और वीडियो को बंद करने से पहले हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।